क्या सुनता या खतना करना चाहिए, क्या वो अच्छा है या बुरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे काफी सवाल हमको पूछे जाते हैं। उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। सर्कमसीजन क्यों करते हैं? सर्कमसीजन का मतलब ये होता है कि लिंग के ऊपर जो चमड़ी है ना, सामने तक जो चमड़ी आती है, जो पूरे लिंग का सामने का पोर्शन भी कवर करती है, वो चमड़ी को निकालना, सामने की चमड़ी जो आगे पीछे होती है उसको निकाल देना ऑपरेशन करके, उसको बोलते हैं सर्कमसीजन। वो एक्चुअली आगे पीछे होते रहती है। यदि पेनिस छोटा है तो वो पूरा कवर करेंगे, इरेक्शन आ जाएंगे तो पीछे हो जाएंगे, तो ऐसा वो आगे पीछे होते रहते हैं, तो उसको निकाल देना वो सर्कमसीजन बोलते हैं। कुछ धर्मों में ये नॉर्मली नेचुरली किया जाता है, इसको खतना या सुन्नत बोलते हैं, वो किया जाता है बच्चों का। हर बच्चा बड़ा हो गया कि उसका वो चमड़ी निकाल डालो, खतना कर डालो, नॉर्मल है वो। अब जब नॉर्मली करते इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है करने में। क्यों करते हैं नॉर्मली, अदरवाइज बाकी धर्मों में कब करना पड़ता है, क्यों करते हैं? तो एक तो जब पेशाब में तकलीफ होती है, पेशाब का जो छिद्र है वो यदि चमड़ी से कवर हो गया पूरा, तो फिर पेशाब करने में तकलीफ होगी, तो चमड़ी निकालनी पड़ेगी। कभी कभी लिंग के ऊपर सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि हाइजीन बराबर नहीं है, साफ सफाई बराबर नहीं है, तो फिर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होगा और सूजन आ जाएगी, और बार बार सूजन आ रही है तो निकाल डालो। नंबर तीन जो है वो पैराफाइमोसिस की वजह से निकालना पड़ता है। पैराफाइमोसिस मतलब ऐसा है कि जो चमड़ी ऐसी है कवर कर रही है, वो जोर से ताकत से वो ऐसा पीछे खींचा दिया जब हो नहीं रही है, और पीछे गई वो तो पीछे जो गड्ढा रहता है ग्लांस के पीछे, वहां जाके वो फटाक से अटक गई और फंस गई वहां। अभी वो ना पीछे जा रही है ना आगे जा रही है, और वहां अभी ब्लड सप्लाई रुक जाने से सूजन आती है, पानी जमा होता है, उसको बोलते हैं पैराफाइमोसिस। सेक्स पहला जब करते हैं और यदि चमड़ी पीछे नहीं हो रही है, जोर से ऐसा सेक्स किया, तो पैराफाइमोसिस हो जाता है। तो पैराफाइमोसिस हो गया तो चमड़ी निकालनी पड़ेगी बाद में। कुछ लोग कॉस्मेटिक रीजन के लिए करते हैं, अच्छा दिखना चाहिए, तो अलग अलग लोगों के दिमाग में रहते हैं विचार, कॉस्मेटिक रीजन से उसके लिए करते हैं। स्टैटिस्टिकली ये प्रूव चुका है कि यदि आप सर्कमसीजन करते तो सर्कमस्क्राइब्ड जो लोग हैं उनमें पेनिस का कैंसर होने का डर या संभावना कम होती है बाकी लोगों से, पेनाइल कैंसर। और इसमें गुप्त रोग होने की जोखिम कम हो जाती है यदि आप सर्कमसीजन करते हैं, तो दोनों फायदे ही है। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ लोगों की सेंसिटिविटी कम हो जाती है चमड़ी निकाल दिया तो, कुछ लोगों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक का अपना अपना ये है, मतलब तजुर्बा है। 49 स्टडीज की गई अलग अलग, 49 स्टडीज, और उनमें ऐसा देखा गया रिसर्च में कि जिनका खतना किया था और जिनका खतना नहीं किया था, तो उनके सेक्स लाइफ में कुछ भी फर्क दिखा नहीं, ना ऑर्गेजम में फर्क दिखा, ना सेक्सुअल डिजायर में फर्क दिखा, ना इजैकुलेशन में फर्क दिखा, कोई भी फर्क दिखा नहीं, सबका रिपोर्टिंग सही का था। इसका मतलब यह है कि सुन्नत या खतना या सर्कमसीजन करने से सेक्स के ऊपर कोई बुरा असर होता नहीं है। यूजुअली ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा इसको 30 मिनट लगते हैं, लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, लोकल ब्लॉक देते हैं ताकि बेहोश करने की जरूरत नहीं है। टाके जो पड़ते हैं वो टाके आप ही आप अंदर घुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, निकालना नहीं पड़ता टाके, और ये जख्म जो है वो एक दो हफ्ते में जख्म भर जाती है। 4 से 6 हफ्ते तक सेक्स नहीं करना चाहिए, या हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए करने के बाद। कोई भी फोर्सफुल एक्टिविटी जो है, जैसा दौड़ना, जोर से खांसी करना, हस्तमैथुन करना, सेक्स करना, ये 4 से 6 महीने तक अपने आप को संभालना पड़ेगा। जिनका सर्कमसीजन किया हुआ है उनको HIV होने के चांसेस 50 से 60% कम है। HIV नहीं चांस, क्योंकि अभी साफ सफाई अच्छी रहती है। और हर्पीज होने के, हर्पीज इन्फेक्शन होने के चांसेस 30% कम हो जाते हैं, 30%। तो फिर इसके फायदे भी है, लोग डर के मारे करते नहीं, अदरवाइज किया तो प्रॉब्लम नहीं है, किया नहीं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर चमड़ी पीछे होती नहीं है तो उसको पीछे करो,
आराम आराम से पीछे करो, स्मूथ करो, और यदि होती नहीं तो फिर निकाल डालो, क्योंकि ये कभी भी आपको इमरजेंसी पैदा कर सकती है। जब आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।